हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में आपके अपने चैनल वर्ल्ड ऑफ डीआरडी में। दोस्तों, आज मैंने बनाया है गेहूं के आटे से और आलू से बहुत ही खस्ता और करारा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। ये बहुत अच्छा हेल्दी है दोस्तों, तो ट्राई ज़रूर करना और वीडियो को पूरी देखना। मैंने दो तरह से बनाया है, ये दोनों तरीके मैं आपको बताऊँगी, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बनाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने आटा लगा लिया है दोस्तों, ये 1 कप आटा लिया था मैंने, उसमें 2 चम्मच सूजी और 2 चम्मच बेसन डाला था। बेसन आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सूजी ज़रूर डालें, उससे थोड़ी क्रिस्पीनेस आएगी इसमें। और इसमें 1 चम्मच तेल डाल के अच्छे से मसल लेंगे। आटे को गूंथना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से गूंथ ले इसको और उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे। ये देखिए, आटा मैंने गूंथ लिया है और बहुत सॉफ्ट हो गया है, ये ना ज़्यादा हार्ड आटा और ना ज़्यादा सॉफ्ट है, मीडियम सा आटा लगा के तैयार कर लेंगे और इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए, जब तक हम करेंगे अपनी आगे की तैयारी। ये मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैंने ये आलू डाल दिए। ये मैंने 3 आलू को उबाल के और छील के घिस लिया था कद्दूकस से। अब इसमें कुछ और सामान डालेंगे, हम वेज डालेंगे, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये मैंने गोभी घिस ली थी एक, आप घिस के डालें या बहुत बारीक बारीक काट के डालें, घिस के डालने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और ये मैंने एक प्याज को बहुत बारीक बारीक काट लिया था, आप इसमें अपने हिसाब से सब्जियां डाल सकते हैं, जो सब्जी आपको पसंद हो वो इसमें ऐड कर लें। और ये मैंने हरा धनिया डाला है और ये कुटी हुई हरी मिर्च है, आप मिर्च को काट के भी डाल सकते हैं। और अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, मसाले आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैं धनिया पाउडर डाल दूंगी इसमें, ये हल्दी पाउडर बहुत थोड़ा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, ये लाल मिर्च पाउडर और ये डालूंगी मैं अजवाइन और ये जीरा। ये साबुत मसाले हैं अजवाइन और जीरा, अजवाइन ऐसी चीज़ों में बहुत अच्छी रहती है। ये चाट मसाला और इसमें धनिया ज़रूर डालना दोस्तों, क्योंकि बेसन डाला है तो बेसन के साथ धनिया का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। ये पिसा हुआ जीरा डाला है मैंने, भुना हुआ जीरा पाउडर है ये। और ये कस्तूरी मेथी डाली है थोड़ी सी, ये स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आप इसके पास जो मसाले नहीं है वो स्किप कर सकते हैं और जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, गरम मसाला डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जैसे पराठे के लिए मिक्स तैयार करते हैं वैसे ही मैंने मिक्स तैयार किया है। और 1 कटोरी में मैं ले लूँगी थोड़ा सा गेहूं का आटा और जितना गेहूं का आटा लिया उससे थोड़ा कम सूजी। इसका एक घोल बना के तैयार करेंगे, ये एक बार हम सामग्री बना लेंगे और 2 रेसिपी बन के तैयार हो जाएंगी। ये देखिए, ये घोल ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला, इस तरीके का हमने घोल बना के तैयार कर लेना। और इसको ढक के रख देंगे हम एक साइड, जब तक हमारा आटा भी सेट हो गया है, सूजी भी फूल के तैयार हो गया है इसमें। अब इससे हम रोटियाँ बनाएंगे, इसके मैं 3 पेड़े बनाऊंगी, आप 2 भी बना सकते हैं। और 1 पेड़ा भी बना के बहुत बड़ी रोटी बेलनी पड़ेगी, उसमें फिर बाद में जब हम इस पे मिक्सचर लगा के उसको रोल करेंगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए मैं इसको 3 पार्ट में कर लूँगी। और इसकी पतली रोटी बना के तैयार करनी है, बिल्कुल भी मोटी रोटी नहीं बनानी, जैसे हम पतली रोटी बनाते हैं खाने के लिए वैसे ही बनानी है। और इसके ऊपर जो हमने मिक्सचर बनाया था उसको लगा देंगे अच्छे से फैला के, मिक्सर एकदम बढ़िया तरीके से फैलाएं इस पर, क्योंकि ये जितना अच्छे से मिक्सर फैलेगा उतना ही इसमें टेस्ट आएगा खाने में। और इसको रोल कर लेंगे हम बहुत हल्के हाथों से, अच्छे से रोल करें इसको थोड़ा दबा दबा के, ताकि बीच में इसके स्पेस ना बचे। जैसे हम इसको बीच में रोल करेंगे तो बीच में लूज लूज रह जाएगा, तो फिर बाद में थोड़ी दिक्कत आएगी बनाने में। और ये मोटा था थोड़ा रोल मेरा, मैं इसको थोड़ा पतला कर लूँगी, घुमा घुमा के लंबा कर लूँगी, साइड इसकी बंद कर देंगे हम। आप मोटा भी काट सकते हैं, थोड़े पतले पतले इसके बाइट्स कट के तैयार हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा पतला कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा, क्योंकि फिर बड़े बड़े बाइट्स बनेंगे और हम थोड़े छोटे बाइट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसके। इसको काट लेंगे बीच बीच में, जितने मोटे पतले आपने रखने हैं उस हिसाब से इसमें कट लगा लें। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए, इस तरह से हम इसका बना के तैयार कर लेंगे। और ये मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था,
और ये मीडियम आंच पे तलना है इनको, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पे तलेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, आटा इसमें तो कच्चा रह जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। मीडियम आंच पे इसको तल के तैयार कर लेंगे। दोस्तों ये इतने हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने तो इनको बीच में, मतलब मैंने एक घाणी तल के तैयार की और दूसरी घाणी जब तक तली तो एक घाणी खा के ख़त्म कर दी। मैंने उनसे मुश्किल से बचाए कि रहने दो इनको, मैंने वीडियो बनानी है, वीडियो में दिखानी है, तो आप भी ज़रूर बनाना, आपके घर में भी सबको पसंद आएंगे, बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। आप इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं, चाय के साथ, शाम के स्नैक्स में या लंच में भी बच्चों को दे सकते हैं। बहुत अच्छा हेल्दी नाश्ता है ये, आटे से बना है और आलू से बना है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डली हैं। और दूसरा हम इस तरीके से बनाएंगे, जो हमने बैटर बना के तैयार किया था, रखा था, उसमें इनको डिप कर देंगे और कढ़ाई में डाल लेंगे, गरम तेल में डाल के इनको तल लेंगे। आपको जो पसंद आए उसी तरह से आप बना के खा सकते हैं। वैसे दोनों तरह से ही नाश्ता बहुत अच्छा लाजवाब बनता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना और मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना। देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये दोनों ही तरह का बहुत क्रिस्पी नाश्ता बन के तैयार हुआ था। और ये देखिए, ये सूजी और बेसन के घोल में डुबो के जो बनाया है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही मुँह में घुलने वाला हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। तो बनाते रहिए दोस्तों, खाते रहिए, मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए। बाय दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।